हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्जाम भी अच्छी गई होगी। और अब है आपका अंतिम इम्तिहान ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चूंकि आपने सोशल फार्मेसी के वन शॉट वाले रिविजन में इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने ज़्यादा कमेंट्स किए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि मुझे लगा कि लास्ट टाइम पे आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी रिविजन करा देना सही रहेगा। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कुल मिलाकर के आपके 15 चैप्टर हैं। सोशल फार्मेसी मात्र 7 चैप्टर का था, जिस वजह से वो 40 मिनट में खत्म हो गया। या हो सके कि दो लेक्चर का जरूरत पड़ जाए, तो अभी शाम के 7 बजे आपको ये एक लेक्चर मिल जाएगा और सुबह 7 बजे आपको एक और लेक्चर मिल जाएगा, जिससे कि दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, जो बता रहा हूँ वही आएगा। क्योंकि पूरा सिलेबस का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्लीट A to Z रिवाइज करवा दूंगा, हो सके तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और जो बच्चे अदर स्टेट से हैं तो देख लीजिए भैया, BTUP के रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से गाइड से 100% क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि अभी जो रिवाइज करवाने वाला हूँ, हमारे एग्जाम प्रिपरेशन गाइड से ही करवाने वाला हूँ, जो कि 5 सब्जेक्ट का हमने लॉन्च किया है। तो आप अभी भी गाइड मंगवा करके पढ़ सकते हैं जिनके एग्जाम में अभी टाइम है। ओके, कोई मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सब इंपॉर्टेंट चीजें और अच्छी चीजें इसमें दी गई हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी, चलिए वो शब्द नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वीडियो रेस्ट्रिक्टेड जोन में चला जाएगा, ठीक है? लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वन शॉट रिवीजन, ठीक है? सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि आपका जो एग्जाम में है वो टोटल 15 चैप्टर्स हैं, है ना? और वो 15 चैप्टर्स में से क्वेश्चन ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे कि ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसा कि और सारे चैप्टर में होता है, जैसे कोग्नोसी में होता है, फिजिक्स में है, सोशल फार्मेसी में भी कोई एक दो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। HAP में कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, हम लोग पहले पार्ट में कोशिश करेंगे कि 7 चैप्टर तक कम से कम कवर किया जाए, अगले में फिर 5 चैप्टर हम लोग कवर करके, अगले में फिर 7-8 चैप्टर कवर करके खत्म कर देंगे। ओके, और मॉडल पेपर भी करवाया हुआ है HAP का, तो एक बार आप मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है? दोनों मॉडल पेपर करवाए हुए हैं अगर आपको टाइम मिले तो। सबसे पहले चलिए चैप्टर 1 है हमारा स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक सा टर्म पता होना चाहिए, एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। और अगर सिंपली फंक्शनिंग की बात करेंगे, किसी चीज के फंक्शनिंग की बात करेंगे, बॉडी पार्ट का फंक्शन का बात करेंगे, तो स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द एनी बॉडी पार्ट इसको एज फिजियोलॉजी, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, जो कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, तो सेल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे बता देता हूँ, सेल एक स्मॉलेस्ट बेसिक एंड लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का, ठीक है? और बहुत सारे सेल जब आपस में ग्रुप बनाते हैं और सबका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर फंक्शन होता है, तो उसको टिश्यू कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर, सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर हो और परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, जैसे 4-5 वहाँ पे सेल है, मान लीजिए 5 सेल है, 5 का स्ट्रक्चर भी लगभग एक समान है और फंक्शन भी एक समान है, इस पूरे ग्रुप को टिश्यू कह देंगे। तो टिश्यू जनरली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर रिलेटिवली। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम डिट्टो होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी मिलेगा तो काम चल जाएगा। अब कुछ पोजीशन है जिसपे कि क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में। सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है। सुपीरियर मैंने ऊपर, नाम से लेना, सुपीरियर मैंने ऊपर, इट मींस ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड में एग्जाम्पल ले लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड अगर आपको मैं बना के दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपका किडनी है और किडनी के ऊपर इस तरीके से होता है ना एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को कैप ऑफ द किडनी कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड इज द सुपीरियर ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर है। अब इन्फीरियर वर्ड होता है नीचे, हम ये लिख सकते हैं कि एड्रिनल कहते, ये जो किडनी है, किडनी इज इन्फीरियर टू द एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि किडनी नीचे है हमारा किसके, एड्रिनल ग्लैंड के। तो ये इस तरीके से एग्जांपल भी दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सुपीरियर मतलब ऊपर टॉप में और इन्फीरियर मतलब बिलो, तो इट मीन्स बिलो ऑफ समथिंग, जैसे कि किडनी आर इन्फीरियर टू द एड्रिनल ग्लैंड, किडनी जो है एड्रिनल ग्लैंड के नीचे है, ठीक है? अब एंटीरियर माने आगे, उसी को वेंट्रल कहते हैं। हाई देखा, ये जो हुई ना एंटीरियर और वेंट्रल, एगो डांस स्टेप होता है ना, समझ रहे हो ना, ये एंटीरियर हो गया और ये पीछे वाला क्या हो गया,
पोस्टीरियर हो गया, तो किसी तरीके से याद रख लो, अब पोस्टीरियर को ही डॉर्सल कहते हैं, इंटीरियर को वेंट्रल कहते हैं, ठीक है। तो इट मींस फ्रंट ऑफ समथिंग, फ्रंट, समझ रहे हो ना, फ्रंट ऑफ समथिंग। और क्या हो गया हमारा, देखो ना, हम ऐसे कर रहे हैं तो रिब केज क्या हो रहा है, इंटीरियर में है ना, रिब केज ये हमारा जो है ना लंग्स के इंटीरियर में, लंग्स उसके पीछे है जस्ट, तो रिब केज इज इंटीरियर टू द लंग्स। पोस्टीरियर मतलब क्या हो गया, पीछे है, सब टर्म पढ़ना पड़ेगा आपको, सुपाइन और प्रोन। अरे भैया एक गाना सुने हो, कभी चीत कभी पट, तो अब से चीत पट मत बोलना, कभी सुपाइन कभी प्रोन, बस। सुपाइन मैंने चीत होता है, चित भार मतलब सुतना ना, जानते हो ना चित भार, सुतते कैसे है, चित भार क्या होगा, फेस ऊपर की ओर होगा और ये आपका फेस क्या होगा, रूफ की ओर होगा। इट मीन्स लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सर्फेस, फेस इज फेसिंग द रूफ, हमारा जो फेस होगा जैसे ऐसे करके हम सो जाएंगे, चित भार, एकदम चित भार, समझते हो ना, एकदम चित भार। तो यह क्या होगा, फेस हमारा रूफ की ओर होगा, रूफ यानी छत, है ना। अब प्रोन मतलब क्या होता है, चित और पट हो गया। अब पेटकुनिया भार, पौ से प्रोन, पौ से पेटकुनिया भार, पेटकुनिया भार यानी पेट नीचे करके रखेंगे, तो पेट नीचे तो मतलब हमारा जो फेस हो जाएगा वो किसके तरफ हो जाएगा, फ्लोर के तरफ हो जाएगा। तो योर बॉडी इज फेसिंग द फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है, ये जो नीचे फर्श है ना उसको फ्लोर कहते हैं, रूफ मतलब छत होता है। तो जब फेस छत की ओर हो तो उसको चित भार कहते हैं, तो कभी चित कभी पट, चित पट तो नहीं भूलोगे, है कि नहीं। तो चित मैंने सुपाइन, एकदम वही सीक्वेंस, चित पट सुपाइन प्रोन। तो प्रोन होता है पौ से प्रोन, पौ से पेटकुनमा भार, पेट नीचे करके सोचते हैं, यानी बॉडी हमारा रूफ नहीं फ्लोर की ओर रहेगा, बॉडी जो है हमारा किसके तरफ रहेगा, फ्लोर की ओर रहेगा, ठीक है। लेटरल मैंने होता है साइड, पापा की पड़ी बारू, है ना, लेटरल। प्रोक्सिमल मतलब होगा किसी चीज के नजदीक, डिस्टल मतलब दूर हो गया। तो ये सारे टर्म हमने बता दिए, स्कोप याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, दो चार पॉइंट्स पर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटी तौर पे समझ लीजिए कि आप क्यों पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्या फायदा होता है। तो भैया आपको नॉलेज मिलता है, फंडामेंटल नॉलेज मिलता है ह्यूमन बॉडी का बारे में, है ना। आप किसी भी चीज के पैथोफिजियो, किसी भी डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये सब है, अगर डिटेल में मैं पढ़ाने लग गया अभी तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा जिसे आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूँ। हाँ, वेरियस प्लेन्स ऑफ द बॉडी, प्लेन पे, बॉडी के प्लेन पे कभी कताल क्वेश्चन देखने को मिला है, ये तीन प्लेन आपको मैं बता देता हूँ, जरूर याद करके रखिएगा। एक होता है, देखो सब कोई फोटो देखने लगा, अरे भाई अभी एग्जाम है, माइंड डेविएट मत करना, ठीक है। मन कर रहा था कि हम यहाँ लड़का का फोटो लगाएं, लेकिन कहा बताओ, किताबों वाला समझता है लड़का का फोटो लगाए ना कोई नहीं देखेगा, समझ रहे हो ना, इसीलिए सब सुंदरी का फोटो लगा देता है। चलिए कोई बात नहीं, समझ पा रहे हैं हम भी, आप ही एज ग्रुप में। सेजिटल प्लेन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेडियन प्लेन, इसी को हम लोग एक और नाम क्या कहते हैं, मेडियन प्लेन, है ना, जो कि मिड लाइन होता है, पूरे बॉडी को बीचों बीच काट देंगे, जैसे एक तलवार लीजिए हमको बीचे से एकदम काट दीजिए, है ना, तो वो हो गया क्या, सेजिटल प्लेन, एकदम बीचों बीच। तो सेजिटल प्लेन क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट एंड राइट साइड में बांटता है, क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड में बांटता है, याद रखिएगा। सेजिटल प्लेन काट देंगे तो बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांट देगा ना, ये हो गया सेजिटल प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन लीजिए, तलवार लेंगे, तलवार से बीचे बीच छेप कर मार देंगे तो ऊपर और नीचे में बदल जाएगा, तो ऊपर और नीचे। तो ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी को कितने किस चीज में बांटता है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर में, है ना, एक हो गया ऊपर एक हो गया नीचे, सुपीरियर इन्फीरियर में। अब कोरोनल प्लेन हो गया, तो कोरोनल प्लेन मैंने समझ लो बाबू, इसको हम जैसे सेजिटल में हो गया ऐसे काटेंगे, है ना, लेफ्ट और राइट में होगा। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स में, ऐसे काटेंगे, लेकिन जो कोरोनल प्लेन होता है उसको ऐसे काटते हैं कि एक हो गया आपके तरफ जा रहा इंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। जैसे हमको इस तरीके से काटेंगे तो मेरा आगे वाला फेस हो गया, एक पीछे वाला फेस हो गया, तो कोरोनल प्लेन क्या करता है, क्या काटता है, इस तरीके से काटता है, ठीक है, जो कि बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटता है, ए एवं पी में बांटता है। इतना लिख देंगे सटीक आंसर मिलेगा, इस तरीके का डायग्राम बना देंगे बॉडी प्लेन पर अगर क्वेश्चन आया तो। चलिए अब चैप्टर टू में आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के बारे में क्वेश्चन आएगा, कंफर्म इजी चैप्टर है, 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आएंगे। सेल क्या होता है, सेल के डायग्राम बनाने जान जाइए, एक अच्छा सा डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना, इजी सा डायग्राम एनिमल सेल का, और प्लस आपको सेल के सारे स्ट्रक्चर के बारे में, सारे ऑर्गेनिज्म के, सो ऑर्गेनेल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएंगे एक।
ठीक है। तो सेल क्या होता है, तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और सेल से ही टिश्यू बनता है, याद रखिएगा, जब ग्रुप ऑफ सेल से बनता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से आपका क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेल को दो टाइप्स में बांटा गया है मेनली, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। दुनिया में जितना भी बैक्टीरिया है सब प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। और यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एकदम सुंदर सा खूबसूरत सा क्या होता है, केंद्रक होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे यानी कि झिल्ली से घिरा हुआ ऑर्गेनल्स होगा, तो उसको यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और अब बेसिकली आपको पढ़ना किसके बारे में है, एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है। ये था सेल का डायग्राम, इतना हार्ड डायग्राम आपके एग्जाम में बनाना नहीं है, आप गूगल से कोई छोटा सा इजी डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, क्या देख लीजिए, अभी तो मेन है हाँ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, और समझ लीजिए मेनली बना होता है प्रोटीन और लिपिड से, और कौन से लिपिड से, तो फॉस्फोलिपिड से, और आप कह सकते हैं और क्या क्या कह सकते हैं, हाँ आपका जो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और ये कौन सा मॉडल है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे वेल एक्सेप्टेड मॉडल अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा कौन था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था वो किसने दिया था, तो सिंगर एवं निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने, ओके। तो ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं हम लोग, क्या करता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, जैसे फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, परमिएबिलिटी देता है, ये सब चीजें हैं। और आप बात करते हैं अब साइटोप्लाज्म की, अब किसकी बात करते हैं, साइटोप्लाज्म की, जो सेल के अंदर चिपचिपा द्रव्य होता है ना, उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर की ओर जो कवरिंग होता है एनिमल सेल का, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो फ्लूइड पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें कि वेरियस ऑर्गेनल्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें कि सेल्स का वेरियस ऑर्गेनल फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल का, मैक्सिमम सेल का एरिना किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म मतलब सेल में जो मैक्सिमम एक्टिविटी होता है वो कहाँ होता है, मैक्सिमम रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, ठीक है। तो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ फंक्शन है, थोड़ा वो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो याद रखिएगा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार से होता है ना, और आउटर मेम्ब्रेन इस प्रकार से होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होता है ना, तो इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे कहते हैं, वहीं पे एटीपी फॉर्मेशन होता है। कहाँ एटीपी फॉर्मेशन, अंदर वाले मेम्ब्रेन में होता है, और एटीपी का एनर्जी यानी एनर्जी बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना, सेल का पावर हाउस कहते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही ना बनता है एटीपी, हो गया ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अभी और क्रेब साइकिल कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, जिसमें कि अंडर वाला मेम्ब्रेन है क्रिस्टे, इसी में आपका क्रेब साइकिल होता है, ठीक है। अब आते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या होता है, इट मेड अप ऑफ फोल्ड एंड स्टैकिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स, पॉइंट स्टैकिंग, बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, इसमें छोड़िए उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी फटाफट से जो रिवाइज कर सके वो रख करिए, ठीक है। राइबोसोम पे क्वेश्चन आते हैं, राइबोसोम क्या कहते हैं आपको, राइबोसोम पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा। और क्या कहते हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S, ठीक है। 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और इसके फंक्शन वगैरह, सिंथेसिस, प्रोटीन करना, ये सब पता होगा आपको। और न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गन है, जो कि बीच में केंद्रक है, और इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग भी कहते हैं। पूरा सेल कंट्रोल होता है किससे, न्यूक्लियस के थ्रू ही, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए स्ट्रैंड वगैरह सब कुछ पाए जाते हैं, हेरिडेटरी मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल वगैरह सब कुछ इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, बात करते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है,
और बात करें लाइसोजोम, तो लाइसोजोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या पाया जाता है इसमें? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? सेल के अंदर जो भी चीजें को डाइजेस्ट करने का काम करता है वो यही करता है, ठीक है। कभी कभी ये ऑटो डाइजेशन भी कर लेता है। ऑटो डाइजेशन मतलब क्या हुआ? ऑटो डाइजेशन मतलब समझते हो ना? हाँ, ऑटो डाइजेशन का मतलब खुद को पाचित कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका आपको रॉबर्ट ब्राउन याद रखिएगा कि न्यूक्लियस का खोजकर्ता कौन थे, तो रॉबर्ट ब्राउन थे। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, और सेल का खोज किसने किया था? सेल का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने, ऑल्टमैन ने, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राइबोसोम का खोज जॉर्ज पेलाडे ने, जॉर्ज पेलाडे, ठीक है, जॉर्ज पेलाडे ने किया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो इसी कारण से इसको रफ कहते हैं। और वो किसमें हेल्पफुल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें हेल्पफुल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। जबकि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लिपिड संश्लेषण के लिए। देखिए लिखा हुआ होगा राइबोसोम इसमें नहीं पाए जाते इसके सरफेस पे, और ये किसके लिए होता है? लिपिड के सिंथेसिस के लिए होता है। किसके लिए? लिपिड के सिंथेसिस के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक में क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। रफ में क्या हो गया? एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और यहाँ पे आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फोटो भी देख सकते हैं, ये वाला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जबकि ये वाला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर थ्री में आ गए, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। किसके बारे में आ गए? टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टिश्यू यानी उत्तक। टिश्यू कहते किसको है? तो कलेक्शन ऑफ सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन हो। टिश्यू कितने टाइप का होता है? तो तीन टाइप का होता है, चार टाइप का होता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? तो इन दिस टिश्यू सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसमें सेल आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो सेल के बीच का स्पेस नहीं होता है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए किस तरीके से एकदम पूरा सटा सटा सारा सेल्स अटैच्ड है, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी अवेलेबल है। ये आपका एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल्स हो गए। और मेनली जो ये पाया जाता है कवरिंग ऑफ द बॉडी, इसका काम है बॉडी का लाइनिंग करना, कवरिंग करना। ये काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको इतना एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए, अभी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं सब चीज़ें, लेकिन अभी तो आपको उतना नहीं पढ़ा सकते। तो कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे एबंडेंट टिश्यू है हमारे बॉडी में, सबसे ज़्यादा टिश्यू पाया जाता है, तो वो कौन सा है? क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, क्या मारेंगे? एबंडेंट टिश्यू में आप क्या मार देंगे? कनेक्टिव टिश्यू में जो कि अकनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ब्लड वगैरह सारा चीज़ आपका क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है, है ना। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एनर्जी बहुत सारा होता है, जैसे कि लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू। तो आपका जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं? तो ब्लड को कहते हैं, याद रखिएगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी एक प्रकार का क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब हम मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, तो ये मसल सेल से बने होते हैं जो कि आपस में मसल्स फॉर्म करते हैं, और ये तीन टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? तीन टाइप्स का होता है मस्कुलर टिश्यू। एक होता है स्मूथ मसल टिश्यू, दूसरा होता है कार्डियक मसल टिश्यू, एंड तीसरा होता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। अब इस तीनों में डिफरेंस जरूर पूछ लीजिए, पूछता है, पढ़ लीजिएगा। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और क्या? कार्डियक मसल। ये तीनों मसल आपको दिख रहा होगा फोटो में, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल यहीं पर मैं बता देता हूँ, वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब क्या हुआ? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और नाम से पता चल रहा होगा कि इसका अपीयरेंस कहाँ होगा, कहाँ पाया जाएगा, तो स्केलेटल के नज़दीक, यानी जो हमारा कंकाल होता है, हड्डी वड्डी है, उससे सटा हुआ हड्डी होता है, मसल्स होते हैं। जैसे कि हाथ पैर हम हिला पा रहे हैं, आप कुछ और ना हिलाने लगिएगा, समझ रहे ना, हाथ पैर ही हिलाना है। तो हाथ पैर अगर हम हिला रहे हैं तो हिल पा रहा है ना मेरे मन की वजह से, तो ये क्या हो गया? वॉलंटरी हो गया। लेकिन स्मूथ मसल, अगर हम कह देंगे तुम बेटा पेट का मसल्स को हिला के दिखाओ,
है ना, इंटेस्टाइन के मसल्स को हिला के दिखाओ, इंटेस्टाइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाओ तो कर पाओ कि नहीं, तो वहां पे स्मूथ मसल पाया जाता है, ठीक है। तो वो इनवॉलंटरी होता है, वो क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। और अगर कार्डियक मसल की बात करेंगे तो कार्डियक वर्ड ही, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, हृदय के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, तो कार्डियक मसल, रुक जाओ, गला में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आराम से ही बोलते हैं। कार्डियक मसल की यदि बात करेंगे तो कार्डियक मसल जो है आपका ये हृदय में पाया जाता है, यानी हार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, तो इसको हार्ट मसल कहते हैं, ओके। चलिए अब अगर बात कर लेते हैं, इसको हार्ट मसल कहते हैं इसको, और ये भी इनवॉलंटरी होता है ना, आपके कंट्रोल में है, आप हृदय के मसल को, मसल्स को धकधका सकते हैं अपने मन से, कहेंगे कि रुक जाइए तो अपना दिल के धड़कन को रोकिए, रोक पाएंगे, कहेंगे चल पहली फुर्सत में निकल, ये कभी हो नहीं सकता है, तो इनवॉलंटरी होता है ये भी, याद रखिएगा, ये भी क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है, ओके। तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। स्केलेटल मसल में क्या होता है, ये स्ट्राइप्ड होता है, स्ट्राइप्ड मतलब धारीदार होता है, ठीक है। तो जो वॉलेंट्री होता है वो स्ट्राइप्ड होता है, याद रखिएगा, स्ट्रेटेड नहीं, लेकिन कार्डियक भी स्ट्रेटेड होता है, तो नहीं, ये स्ट्रेटेड होता है और ये वॉलेंट्री होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, वॉलेंट्री इन नेचर होता है। और स्मूथ मसल में ये नॉन स्ट्रेटेड होता है और ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। और अगर बात करें कार्डियक मसल में, तो ये वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट का जो वॉल बना होता है इसी से बना होता है, और कार्डियक मसल हैज क्रॉस स्ट्रिएशन, इसमें क्रॉस स्ट्रिएशन पाया जाता है, देखिए इस तरीके से होता है ना, क्रॉस कर रहा है ना, यही है क्रॉस स्ट्रिएशन फ्रॉम, और इसमें इंटर, क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, किसमें, कार्डियक मसल में, पूछता है इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें पाया जाता है, तो कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, समझ जाइए। और ये भी इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक में आपके दो चीजें आ गए, एक एक्साइटेबल है जो कि न्यूरॉन्स हो गया, और नॉन एक्साइटेबल सेल में आ गया न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, कौन सा एक्साइटेबल होता है, कौन सा नॉन एक्साइटेबल होता है, एक्साइटेबल में आपका न्यूरॉन आ गया, नॉन एक्साइटेबल में आपके न्यूरोग्लियल्स आ गए। न्यूरॉन को आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नर्व सेल भी कहते हैं, और शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी न्यूरॉन सेल ही होती है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूरोग्लिया भी, अलग से न्यूरोग्लिया होता है जो कि नॉन एक्साइटिंग सेल होता है, सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है नर्वस टिश्यू के लिए, सपोर्टिव का काम करता है, ठीक है। चलिए, और ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप एक बार बना करके सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपका सेल बॉडी है, पूरा सेल बॉडी जिसको साइटोन भी कहते हैं, और इसमें जो साइड में ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो डेंड्राइट्स है जहाँ से कि स्टिमुली को रिसीव करते हैं और यहाँ से एक्सोन की ओर पास कर लेते हैं, ये एक्सोन है, और ये आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गया, बीच बीच में नोड ऑफ रेनवियर्स हो गया, और ये सारे क्या है, माइलिन सीथ है, ये सब क्या है, माइलिन सीथ है, और लास्ट में साइनेप्स है। और सीनेप्स किस जगह को कहते हैं, याद रखिएगा, जहाँ दो न्यूरोन आपस में जुटते हैं, दो न्यूरॉन के जंक्शन को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए चैप्टर 4 पढ़ते हैं अब, आपका है ईसस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ईसस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, स्केलेटन क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, तो बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का जो हड्डिया कंकाल है, यानी कि कंकाल है, फ्रेमवर्क करने का काम करता है, उसको हम लोग स्केलेटन कहते हैं, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करे और प्रोटेक्ट करे हमारे सॉफ्ट टिश्यू, जो मुलायम ऑर्गन है हमारे बॉडी में उसको, ठीक है, लोकोमोशन मूवमेंट करवाए, उसको हम लोग स्केलेटन कहेंगे, ठीक है। स्केलेटन का फंक्शन देख लीजिएगा थोड़ा सा, और पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम में जैसे कि बोन्स आ गया, ज्वाइंट्स आ गया, कार्टिलेज, लिगामेंट, सब कुछ आ गया। और मेनली जो स्केलेटन सिस्टम को होता है दो पार्ट्स में बांटा गया, एक एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन मतलब क्या हो, जो एक्सिस के बीच में आता है, एक्सिस में आपका टोटल स्केलेटन सिस्टम में बोन कितने होते हैं भैया, मानव शरीर में कितने बोन होते हैं, 206, और बच्चे में 300 प्लस हड्डी होती है, बच्चे में 300 प्लस और एडल्ट में 206 हड्डी होती है। अब 206 में पूरे हड्डी को दो भाग में बांटा गया है, बीचों बीच जो होता है उसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जो कि क्या है, 80 को है। और अपेंडिकुलर जैसे कि अपर लिंब, लोअर लिंब, आपका हाथ पैर हो गया, ये सब क्या हो गया, 126 को है, कितना है, 126 गो है, ये 80 गो है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए आपका ये फोटो है, इस फोटो को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, दिख रहा होगा, ये जो आपको इधर जो दिखाया जा रहा है वो सब एक्सियल स्केलेटन दिखाया जा रहा है, कि बीचों बीच है एकदम, है ना, आपका पूरा स्कल हो गया, पूरा रिब्स हो गया, पूरा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये तीन चीज आपका क्या आ गया, सेंट्रल के कहते हैं ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। और आपका जो ये पूरा हाथ आ गया, ये शोल्डर हाथ आ गया, ये इधर पैर आ गया, ये पैर आ गया, ये सब किस में आ गया, आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आ गया, ठीक है।
अब बात करते हैं बोन क्या होता है, तो बोन का डेफिनेशन वगैरह उतना रटने की जरूरत नहीं है। एक्सियल स्केलेटन यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। टेंडन और लिगामेंट पे क्वेश्चन आता है, टेंडन और लिगामेंट को मैं बता देता हूँ कि एक ट्रिक बताता हूँ भैया, टेंडन और लिगामेंट पे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मत फंसना भाई। पहले बता देते हैं टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन को जोड़ता है, मसल टू बोन को जोड़ता है, मसल टू बोन को जोड़ता है, और लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ता है। किसको? बोन टू बोन को। कैसे याद रहेगा? टेंडन यानी चंदन। चंदन में कोई दोस्त होगा ना आपका, बुरा मत मानिएगा, चंदन में सबका माई बहन कर देता है। माई बहन मतलब माई मैंने मसल्स, बहन मैंने बोन, तो चंदन में क्या करता है? माई बहन कर देता है। चंदन में यानी टेंडन में, टेंडन क्या करेगा? माई बहन करेगा यानी मसल टू बोन जोड़ेगा। बहुत कंफ्यूजन होता है, सही बता रहा हूँ। लिगामेंट बोन टू बोन है ना, जब टेंडन कर रहा है मसल टू बोन, तो लिगामेंट क्या करेगा? बोन टू बोन, ठीक है। ये हो गया आपका टेंडन और लिगामेंट का, ओके। चलिए याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं बोन, टेंडन और लिगामेंट में। अब है बात एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन हमने बता ही दिया कि क्या कहता है, हमारे बॉडी का पूरा बीचों बीच वाला भाग जो होता है ना, वो क्या है? एक्सियल स्केलेटन में आता है। इट फॉर्म्स द लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल पार्ट कौन बनाता है? एक्सियल स्केलेटन बनाता है, जो कि थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने बताया था ना, सबसे पहले पूरा स्कल आ गया आपका, फिर वर्टिब्रल कॉलम आ गया, और थोरेक्स का बोन आ गया। और एक्सियल स्केलेटन में टोटल हड्डी कितने होते हैं? 80। स्कल में टोटल हड्डी कितना होता है? 29, है ना। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितना हड्डी होता है? 26। और ये बोनी थोरेक्स में कितना होता है आपका, हो गया क्या? बोनी थोरेक्स, थोरेक्स में आपका क्या था कि 12 पेयर रिब्स होता है ना, 12 पेयर रिब्स होता है, 12 पेयर रिब्स है ना, 12 पेयर रिब्स, प्लस एक स्टर्नम होता है बीचों बीच हड्डी, एक स्टर्नम होता है। ये हो गया आपका टोटल 12 दूनी 24 1 25। आप जोड़ लीजिए 29 26 25, 80 को पूर जाएगा। देखिए 29 26 25, 5 6 11 9 20 का सुनना किया, 2 2 2 4 2 6 2 8, 80 को हो गया ना। तो टोटल 80 बोन हमने गिनवा दिया। याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है स्कल में कितना बोन? 29 को। अब स्कल में भी बांटा जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कॉलम यानी पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, टोटल 26 बोन। और थोरेक्स, पूरा थोरेक्स, ये जो हमारा छाती है, ये वाला छाती दिखाता है ना, देखिए सलमान खान कभी इधर फुलाता है कभी उधर, मेरा फुलता नहीं है, देखते हैं करके नहीं हो रहा है मेरा वैसे करके, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं उसी को, क्या कहते हैं? थोरेक्स रीजन कहते हैं। ये वाला थोरेक्स रीजन है आपका, ठीक है। आप लोग का तो थोरेक्स रीजन पे बड़ा ज्यादा गौर रहता होगा, है ना, लेकिन ज्यादा गौर नहीं करना है, फिर मन भटकेगा, ठीक है। तो थोरेक्स रीजन में कितना टोटल हड्डी होता है? 12 पेयर रिब्स होता है, रिब्स टोटल 12 पेयर होता है, और एक बीच में स्टर्नम होता है जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन इसको क्लेविकल को कहते हैं। क्लेविकल ये है आपका, कॉलर बोन है, ये स्टर्नम है आपका, ठीक है, ठीक है, उसको नहीं कहते हैं। अब चलिए स्कल में आते हैं। स्कल यानी खोपड़ी। तो खोपड़ी में टोटल आपका कितना बोन आता है? तो स्कल को आपको कितने भाग में बांटा गया है मैं बता देता हूँ। स्कल में टोटल आपका क्या क्या होता है? आपका जो खोपड़िया है ना, खोपड़िया में 8 गो क्रेनियल बोन होता है, ठीक है। ये जो आपका खोपड़ी हो गया, यहाँ पे 8 गो टोटल क्रेनियल बोन हो गया, और आपका जो 14 गो होता है फेसियल बोन हो गया। तो भैया 14 8 कितना होता है? 14 8 तो 22 होता है ना, 22 गो ही होता है। अभी हमको 29 पुराना है, तो तीन, एक कान में क्या गो हड्डी होता है? 3 हड्डी होता है, मेलस इनकस एंड स्टेपस, पढ़े हो ना, मेलस इनकस एंड स्टेपस। और स्टेपस सब कान की सबसे छोटी हड्डी, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो 3 3 6, तो 6 गो ईयर ऑसिकल्स भी स्कल में ही आता है। अब प्लस एक वो यू आकार का बोन होता है, हायोइड बोन है ना, हायोइड बोन, वो यू आकार का बोन होता है। तो वो 26, तो 26 हो गया, 6 28 1 29, तो टोटल स्कल में 29 बोन होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्कल में कितने बोन? तो 29 बोन। कहीं कहीं पे आपको क्या होगा, 22 आंसर ले लेगा। स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 22 बोन, क्यों? क्योंकि वो क्या किया, ईयर ऑसिकल जो कान की हड्डी है उसको स्कल में नहीं गिना। लेकिन अगर ऑप्शन में 22 देगा तो ऑप्शन में 22 टिक करना, अगर 29 मारेगा ऑप्शन देगा तो 29 टिक कर देना, ठीक है। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, याद रखना, देगा तो या तो 22 देगा या तो 29 देगा, ठीक है। तो ये देखिए 22 बोन बोला, यानी कि 8 को क्रेनियम हो गया, क्रेनियल बोन आपका 8 को हो गया, और फेसियल में 14 हो गया, ठीक है। अब 8 क्रेनियल बोन का नाम याद करवा दें, 8 क्रेनियल बोन का नाम याद करने के लिए ट्रिक बताए थे। एफ पॉट से क्या होता है, याद रखिएगा, क्रेनियल बोन का है। एफ माने फ्रंटल, एफ माने फ्रंटल, फ्रंटल आपका क्या गो हड्डी होगा, आगे वाला हड्डी है ना, एक होगा। पी, पी माने क्या हो गया, पेराइटल, पेराइटल वाला हड्डी ऊपर वाला होता है, एक इधर एक इधर,
तो आपका हो गया पेराइटल दोगो, पेराइटल दोगो, और ओ माने ऑक्सीपिटल पीछे वाला, ऑक्सीपिटल क्या हो गया पीछे वाला, ये है ना, ये भी एगो होता है। टी टेम्पोरल है, यहाँ कान के बगल वाला हड्डी को टेम्पोरल कहते हैं, ठीक है, कहता ना मार के तो क्या टेम्पोरल भांग देंगे, तो कहता ना टेम्पोरल इधर भी इधर भी, कनचपड़ी होता है ना कनचपड़ी में मत मारो, तो वही टेम्पोरल होता है, तो टेम्पोरल इधर भी है इधर भी है, तो टेम्पोरल भी दो गो होता है। और एस माने स्फिनॉइड, स्फिनॉइड होता है यहाँ पे ये वाली हड्डी को, और ये होता है आँख के पास लमसम एथमॉइड, एथमॉइड भी एक होता है स्फिनॉइड भी एक होता है। तो एफ पॉट से याद रखना क्रेनियल बोन कौन कौन सा होता है, एफ पॉट से, एफ पॉट से, एफ मैंने फ्रंटल, पी मैंने पेराइटल, ओ मैंने ऑक्सीपिटल, टी मैंने टेम्पोरल, एस मैंने स्फिनॉइड, ई मैंने एथमॉइड, और पेयर में कौन कौन सा पाया, टोटल आठ गो होता है ना, तो फ्रंटल एक होता है, पेराइटल और टेम्पोरल पेयर में होता है, और सब एकक गो होता है। देखो गिना, गिनो, दो एक तीन एक चार, दो छः एक सात एक आठ, आठ गो हो गया ना, याद रखना ऐसे करके लिखना, एग्जाम में अगर पेयर में अनपेयर में दिक्कत होगा कभी कभी, तो एफ पॉट से लिख करके दो नंबर पे दो चढ़ा देना, और चार नंबर पे एक को छोड़ के इस दोनों पे दो दो चढ़ा देना, और सब सिंगल होता है, सब सिंगल होता है, ठीक है। क्रेनियल बोन हो गया। अब फेसियल बोन क्या गो है, चौदह गो। अब चौदहों का हड्डी का नाम क्या रहेगा, तो जेड एन एल एम स्क्वायर, याद रह सकता है तो याद रख लो, वी आई पी, जेड एन एल एम स्क्वायर वी आई पी। तो जेड मैंने क्या होता है, जाइगोमेटिक बोन, आपको जाइगोमेटिक बोन हो गया जो कि पेयर में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे सारे मैक्सिमम बोन पेयर में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो एन मैंने क्या हो गया, नेजल बोन, नेजल बोन भी पेयर में पाया जाता है। एल मैंने क्या हो गया, लेक्राइमल, जो कि दो गो पाया जाता है। एम स्क्वायर यानी एक हो गया मैक्सिला, एक हो गया मैंडिबल, मैक्सिला होता है ऊपर वाला, ये देखिए मैक्सिला है, मैक्सिला भी दो गो होता है, देखिए एक इधर इधर, और मैंडिबल क्या होता है नीचे होता है, मैंडिबल एक होता है सिंगल, देखिए मैंडिबल एक होता है जबकि मैक्सिला दो गो है, बीच में दरार है ना, और मैक्सिला क्या होता है, आप एक फैक्ट बताएं, आप जब भी बोलते हैं तो आपका मैक्सिला हिलता है या मैंडिबल हिलता है, तो ऑलवेज आपका सिर्फ मैंडिबल हिलता है। मैक्सिला पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉ बोन जो आपका है ना, इमूवेबल जॉ बोन पूछा जाता है, जॉ बोन मतलब क्या, जबड़े की हड्डी, तो मैक्सिला और मैंडिबल है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे इमूवेबल, जो कि मूव नहीं कर सकता है, तो वो मैक्सिला है। आप कितनों कोशिश कर लीजिए मैक्सिला को नहीं ला पाइएगा, आपको लगता होगा दोनों हिलता है लेकिन नहीं, आ जाएगा कितनों कुछ कर लेंगे, ये हिल भी नहीं करेगा, नीचे वाला हिलेगा। तो मैक्सिला जो होता है इमूवेबल होता है, इमूवेबल होता है, और मैंडिबल मूवेबल होता है, इसी वजह से हम लोग ऊपर नीचे कर पाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे इमूवेबल जॉ बोन, तो मैक्सिला हो जाएगा, इमूवेबल जॉ मूवेबल जॉ बोन, जो अगर बोल दे कौन मूव कर सकता है, तो मैंडिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिला मैंडिबल हो गया। अब वी मैंने क्या होता है, वोमर, वी मतलब क्या होता है, वोमर है ना, ये जो नाक के पास है ये भी एक हड्डी होती है। और आई मतलब होता है इन्फीरियर नेजल कोन का, इन्फीरियर नेजल कोन का, ये देखिए नाक के बगल में है। और पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है क्या, पेलेटाइन, पी मतलब होता है पेलेटाइन, और यहाँ पे सब पेयर में होता है, बस वोमर आपका नहीं होता है और मैंडिबल नहीं होता है, पेयर में वोमर और मैंडिबल, याद रखिएगा। वोमर बोन नाक के सीधा सीधी वाली हड्डी है, तो एक ही को होगा, और मैंडिबल नीचे है तो एक ही को होगा, और सब पेयर में होगा, ठीक है। तो अगर एक्सियल स्केलेटन पे लिखनी आ गया तो भैया सब लिखना पड़ेगा, और सब पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन में, स्कल हो गया, कान की हड्डी भी हमने बता ही दिया कि कान में तीन 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 गो इधर होता है, तीन गो इधर होता है। कान में हड्डी के नाम क्या है, इसका आप बताइए नाम, स्टेपस, इनका मेलस, इनकस एंड स्टेपस, तो वो तीनों हड्डी हो गया कान का, और एक बीच में यू आकार का बोन होता है, इसको हायोइड बोन कहते हैं, ठीक है। स्कल खत्म। अब वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में हमने टोटल बताया कितना, 26, तो 26 को बांटा कितने किया है, पांच भाग में बांटा गया है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, और एक हो गया सैक्रम, दूसरा हो गया कॉकिक्स। सर्वाइकल वर्टिब्रा में कितने होते हैं, तो C1 से लेकर के C7 तक दिख रहा होगा, तो C7 याद रखिएगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है, सात गो होता है, और पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं, दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा को एक्सिस कहते हैं। पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है एटलस, देखो एटलस किसको कहते हैं, जो ग्लोब होता है ना घूमते रहता है, तो उसके ऊपर एक ग्लोब के ऊपर पूरा एटलस घूमते रहता है ना, यानी पूरा नक्शा घूमते रहता है, तो वही हड्डी है एटलस जिसके ऊपर हमारा पूरा मुंडी घूमता है ना, इसीलिए इसको एटलस कहते हैं। और दूसरा होता है एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद सर्वाइकल सात गो हो गया, थोरेसिक जो होता है आपका 12 गो होता है, थोरेसिक T12 तक, T1 से T12 हो गया ना, थोरेसिक आपका क्या हो गया, 12 हो गया। थोरेसिक के नीचे आपका कमर वाला रीजन आ गया, कमर वाले रीजन में L1 से L5 तक होता है, L1 से, ध्यान से सुनिएगा, L1 से लेकर के L5 तक होता है, लंबर L1 से लेकर के L5 तक होता है, और सैक्रम और कॉकिक्स नीचे की हड्डी है, सैक्रम एक होता है, कॉकिक्स भी एक होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सैक्रम देखिए बड़ा सा दिख रहा होगा, तो ये
बचपन में ना क्या कहते हैं, पांच हड्डी था, पांचों से फ्यूज होकर के एक बन गया। तो सैक्रम जो है ना पांच हड्डियों के फ्यूज होने से बनता है। कितने हड्डियों से? पांच हड्डियों के फ्यूज होने से बनता है, जबकि कॉकिक्स चार हड्डियों के फ्यूज होने से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन फ्यूज हो गया तो एक ही को गिनते हैं। तो देखिए आपको क्या हो गया, सात को सर्वाइकल, बारह को थोरसिक, पांच को लंबर और एक सैक्रम, एक कॉकिक्स। तो बारह सात उन्नीस, पांच चौबीस, एक पच्चीस, एक छब्बीस। तो टोटल 26 को आ गया आपका क्या, वर्टिब्रल कॉलम, याद हो गया। चलिए अब आपको वही चीज लिखा हुआ है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन नंबर, जो कि नेक रीजन बनाता है, हमारा गर्दन वाले रीजन में होता है। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 को होता है, जो कि बैक ऑफ द थोरेक्स, थोरेक्स का जो ये थोरेक्स वाला है ना रीजन, इसके पीछे का वर्टिब्रा जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा है। लंबर वर्टिब्रा कमर के पास वाला रीजन है, लंबर रीजन 5 को होता है। कमरिया लचक रे, तो लंबर लचके रे याद रखिएगा, कमरिया क्या होता है, लचकता है, तो कमर वाला रीजन लंबर रीजन। सैक्रल वर्टिब्रा तो 5 इन नंबर लिखा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया, ये सैक्रम बनाता है जो कि एक हो जाता है, ये पांचों हड्डी मिलकर के फ्यूज हो जाता है, एक ही गिनाता है। कोकिजियल वर्टिब्रा हमने बताया था ना कि होता एक है, लेकिन कितने फ्यूज जिससे बनते हैं, चार हड्डी होती है, लेकिन वो बचपन में चार होता है, फिर बाद में फ्यूज होकर के एक हो जाता है। इसीलिए तो बोलता है ना, बचपन में जो 306 हड्डी होती, 300 से ज्यादा हड्डी होता है, बड़ा होते होते 206 हड्डी बचता है, क्या होता है, हड्डी गायब हो जाता है, नहीं, वो सब हड्डी आपस में ज्वाइंट हो जाता है, एक ही हड्डी गिनाता है। अब थोरेक्स के बोन के बारे में बात कर रहे हैं, थोरेक्स की बात के बात में बात करेंगे तो इसमें रिब्स होता है और स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम जो है आपका सामने वाला हड्डी हो गया, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको, फोटो अगर लगाया गया होगा तो, हाँ ये देखिए आपका क्या हो गया, स्टर्नम हो गया, और ये सब क्या हो गया आपका, रिब्स हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, रिब्स हो गया। रिब्स टोटल कितने पेयर होते हैं ये बताइए, थोरेक्स बोन में रिब्स आपका टोटल कितना होता है, 12 पेयर होता है, याद रखिएगा, यानी 24 गो, और इसमें एक स्टर्नम बीच में पाया जाता है। रिब्स है आपको 12 पेयर होता है ना, और इसमें ट्रू रिब्स किसको कहते हैं, अपर 5 पेयर्स को, अपर 5 पेयर को क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं, और अटैच्ड टू स्टर्नम डायरेक्टली। फॉल्स रिब्स दे आर, देखिए तीन तरीके का होता है, एक ट्रू रिब्स होता है, एक फॉल्स रिब्स होता है, एक फ्लोटिंग रिब्स होता है। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स अपर 5 पेयर्स ऑफ रिब्स को, जो कि प्योरली आके स्टर्नम से जुटे हुए रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स उसको कहते हैं जो लोअर 5 रीजन वाला है, लोअर वाला रीजन है, लोअर 5 वाला है, वो क्या हो गया कि कहते हैं फॉल्स रिब्स हो गया। और आपको लास्ट का 2 को जो होता है वो होता है फ्लोटिंग रिब्स। मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि जो 7 को होता है, पहला 7 याद रखिएगा, पहला 7 को होता है ट्रू रिब्स होता है, फिर 3 को होता है जो कि फॉल्स रिब्स होता है, और 2 को जो होता है फ्लोटिंग रिब्स होता है, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, 7 3 2, ओके। चलिए अब आते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ गए। अब यहाँ पे गर्डल होता है, पेक्टोरल गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल यानी कमर वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डी होती है, 126 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अब 126 हड्डी की बात कर लेंगे तो आपका जो क्या क्या होता है देख लीजिए भैया, स्कैपुला होता है, ढवने की हड्डी होती है, ये क्लेविकल हो गया, ये सब हो गया, ह्यूमरस ये वाली हड्डी होती है ना, और अलना, रेडियस आपका हाथ में होता है, रेडियस अलना, ये सब चीज़ें हैं। रिस्ट और बोन, बोन ऑफ हैंड एंड रिस्ट, हैंड और रिस्ट की बोन्स की बात करेंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि कौन कौन सा प्रॉक्सिमल है। लोअर लिम्स में आपका होता है फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए अपर लिम्स में है, ये अपर लिम्स में है, इसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं, ये हमारा रेडियस है, ये अलना है, ठीक है। और लोअर लिम में बात करें तो ये हमारा फीमर है, जो कि लॉन्गेस्ट हड्डी होती है, लंबी एवं मजबूत हड्डी होती है, और ये हमारा क्या है, टीबिया होता है, दूसरा होता है फिबुला, ठीक है, और ये पटेला होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ज्वाइंट्स को लेकर के। ज्वाइंट क्या होता है, तो ज्वाइंट वैसा प्लेस होता है जहाँ पे दो बोन आपस में क्या होते हैं, टुगेदर आते हैं, यानी जुटते हैं, वो ज्वाइंट कहलाता है। क्लासिफिकेशन में आ गया आपका फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। तो फाइब्रस ज्वाइंट किसको कहते हैं, तो सिन आर्थरोसिस इसी को कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होता, जैसे आपका क्रेनियम में आपका सूचर्स हो गया, जो आपस में क्रेनियल बोन आपस में जुड़े, ये हिलता है बिल्कुल भी, एकदम पैक्ड है, वो फाइब्रस ज्वाइंट हो गया। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हो गया, एमपी आर्थरोसिस भी कहते हैं, जो क्या होता है, हल्का सा स्लाइटली मूवेबल होता है। और डायआर्थरोसिस यानी साइनोवियल ज्वाइंट जो कि फ्रीली मूवेबल होता है, वही बोल रहा है फाइब्रस ज्वाइंट नॉट परमिट टू मूवमेंट, है ना, एग्जाम्पल में स्कल बोन, सूचर वगैरह हो गया। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट आपका हो गया क्या, जो कि फ्रीली एंटायरली मूवेबल, कभी कहीं कहीं थोड़ा हल्का फल्का मूवमेंट होता है। साइनोवियल ज्वाइंट पूरे अच्छे तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक है।
अब साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वगैरह के बारे में, हिंज जॉइंट के बारे में पूछता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसमें किसमें पाया जाता है, आपका शोल्डर जॉइंट जो आपका हो गया ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, और हिप जॉइंट भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, एल्बो जॉइंट जो होता है ये हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है, और नी जॉइंट जो कि आपका घुटने का जॉइंट है वो भी हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। इस दोनों से क्वेश्चन आते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 आ गए, हीमोपोएटिक सिस्टम, इसमें कि आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले ब्लड के बारे में क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा कि ब्लड क्या है, और ब्लड का एक फ्लो चार्ट बनाइए या फिर आपको उसका पूरा कंपोजिशन लिखना है। तो ब्लड क्या है, रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हमने बताया था, जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ये मेनली बना होता है दो चीज से, प्लाज्मा और ब्लड सेल से। किससे बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से, है ना। अब प्लाज्मा जो है आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में आपका जो प्लाज्मा है सेलुलर एलिमेंट्स है, तो ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% है और जो एलिमेंट्स है वो 45% है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देखिए अच्छे से दिया हुआ है, ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा आपके क्या है 55%, ब्लड सेल्स 45%। अब प्लाज्मा में भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, 92% 90 से 92% 95% तक आपका वाटर पाया जाता है, और उसमें डिजॉल्व सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन लगभग 6 से 8% पाया जाता है, जो कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, और एक ग्लोबुलिन भी होता है, ठीक है। अब अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो ये तीन तरह का होता है, एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, वाइट सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म में काम करना, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट बनाने में हेल्प करना, और आपका जो वाइट की कहते हैं ये डब्ल्यूबीसी होता है दो पार्ट्स में बटा होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट, याद रखिएगा। ग्रेनुलोसाइट में तीन गो आता है, वो तीन को कौन कौन सा होता है, तो आप में जिसमें भी फिल लगा हुआ है वो ग्रेनुलोसाइट होता है, जैसे इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये सब क्या हो गया ग्रेनुलोसाइट में आ गया, और एक ग्रेनुलोसाइट में आपके क्या आ गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर देंगे और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना, कोएगुलेशन करना यानी कि आप डिफेंसिव फंक्शन करना, थर्मोरेगुलेशन करना, थर्मोरेगुलेशन बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, इम्यूनिटी मतलब डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, एकोएगुलेशन रक्त को थक्का कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, आयन बैलेंस कर रहा है, रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्पफुल हो रहा है, एक्सपिरेटरी फंक्शन कर रहा है, वाटर बैलेंस कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस कर रहा है, ये सब चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए आपको कि ब्लड का फंक्शन क्या है। अब हीमोपोएसिस क्या होता है, हीमोपोएसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ब्लड फॉर्मेशन होता है, और ब्लड फॉर्मेशन किस में होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का किस में फॉर्मेशन होता है, तो आपको बोन मैरो में देखने को मिलता है ना, बोन मैरो समझते हो, लंबी लंबी हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है, अस्थि मज्जा जिसको हिंदी में कहते हैं। अब प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस अभी मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है तो उतना पढ़ने का समय है नहीं अभी, आप चाहते हैं तो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, आरबीसी के बारे में आपका जो आरबीसी का रेंज होता है, लाइफ स्पान होता है 120 दिन का होता है, 4.5 to 6.5 मिलियन एक के कहते हैं ml ब्लड में लगभग 4.5 to 6.5 मिलियन तक होता है, यानी कि 4.5 लाख से यानी कि 4.5 million to 6.5 million अप्रॉक्स आपका होता है। और मैच्योर आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है, बाइकॉनकेव शेप मतलब समझते हो, आटा देखो आटा है ना, आटा का गुलिया कर लो उसको बीच से चिप दो तो दोनों तरफ से इस तरीके का शेप बन जाएगा ना, इस तरीके का शेप बन जाएगा देख लो, है ना, इस बाइकॉनकेव शेप है जो कि आपको आरबीसी का देखने को मिलता है, और जो न्यूक्लियस होता है इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, है ना। अब डब्ल्यूबीसी के काम करें बात कर लें, इसका 4,000 से 11,000 पर एमएल ब्लड में होता है काउंट, और ये दो प्रकार का होता है, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में हमने बता दिया न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, जिसमें भी फिल लगा हुआ है वो ग्रेनुलोसाइट में आ गया, और जिसमें फिल नहीं लगा हुआ है वो ग्रेनुलोसाइट में आ गया, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, है ना। हाँ, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, थ्रोम्बोसाइट्स की, जो कि क्या करता है, आपका प्लेटलेट्स का नॉर्मल क्या होता है, आपको 1.5 लाख से 3.5 लाख तक इसका रेंज नॉर्मली होता है, ठीक है। और प्लेटलेट डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स का ही संख्या कम हो जाता है, ये ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आता है, तो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होता है वो तीन स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना,
तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, उसके बाद वो क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में, और वो थ्रोम्बिन कन्वर्ट होने के बाद फिर फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना, उसके बाद फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है जिससे कि ब्लड कोएगुलेट हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया आपका क्या। अब थ्रोम्बोसिस क्या होता है, तो नॉर्मली क्या होता है आपका ब्लड बॉडी में जो ब्लड है वो क्या हो रहा है कोएगुलेट नहीं हो रहा है। कोएगुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि कोएगुलेट नहीं हो रहा है ना, इससे क्या होगा आपका जो ब्लड है आपके बॉडी में जो ब्लड है वो कोएगुलेट नॉर्मली नहीं हो रहा है, क्योंकि और बाहर जैसे कटता है तो बाहर आता है तो कोएगुलेट हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में ना एंटी कोएगुलेंट पाया जाता है, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है वो हिपेरिन। क्या है, हिपेरिन, याद रखिएगा हिपेरिन हमारे ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता है। लेकिन जब ये हिपेरिन काम नहीं करता है और हमारे ब्लड में बॉडी में ही ब्लड में क्या होता है कोएगुलेशन हो जाता है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड क्लॉट बनने लग जाते हैं, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, है ना। दे में ब्लॉक द सर्कुलेशन, जिससे क्या होगा सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, हो सके तो हार्ट अटैक वगैरह चेस्ट पेन वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं ब्लड क्लॉट, देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा जिससे कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होगा, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आते हैं, ब्लड ग्रुप टोटल किसके द्वारा दिया गया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया, डिस्कवर दिया गया। ए बी ओ ब्लड ग्रुप में टोटल कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो चार टाइप का, ए बी ए बी और ओ, और एक टेबल जरूर बना लीजिएगा किसमें कौन सा एंटीबॉडी किसमें कौन सा एंटीजन, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए को कहते ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, देखिए यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो कि सबको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। और ऑप्शन में यदि ओ नेगेटिव दे दो तो ओ नेगेटिव टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ओ में भी ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, और यूनिवर्सल क्योंकि इसमें आर एच एंटीजन भी नहीं पाया जाता है। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करेंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं आरएच में क्या होता है, आरएच का जो रिसस नाम के मंकी से लिया गया था उसमें सबसे पहले देखा गया, तो आरएच वर्ड वहीं से लिया गया है, और जो आरएच वर्ड है वो आपको क्या कह सकते हैं कि जो जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसमें आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता वो निगेटिव होता है। अब एक चार्ट आपको हमने बताया था, क्या याद रख लेना है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए जो ग्रुप होगा ब्लड का वही एंटीजन होगा, वही एंटीजन होगा, क्योंकि ब्लड का जो ग्रुप होता है वो एंटीजन के समान होता है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, और उसके जस्ट उल्टा एंटीबॉडी होगा, है ना, उसके जस्ट उल्टा एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी बी हो गया। ब्लड ग्रुप बी, मैं क्या बोला, दो लाइन याद रखना है, जो ब्लड ग्रुप है वही आपका एंटीजन है। कोई आपसे पूछ देगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो एंटीजन कौन सा होगा, तो बी होगा, है ना, याद रखिएगा। तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या हो जाएगा, बी, है ना। और आपको इतना डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, चार्ट वाइज लिख देना है। अगर ब्लड ग्रुप में लिखने आ गया तो ग्रुप बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो उसका उल्टा ए, एंटीबॉडी उल्टा होता है। ठीक है, एंटीजन सेम होता है। अब ब्लड ग्रुप ए बी, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है यानी एंटीजन यहाँ पे ए बी दोनों होगा, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एंटीजन वही एंटी ब्लड ग्रुप। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है यानी एंटीजन दोनों है, तो एंटीजन ए एंड बी दोनों है, अगर दोनों एंटीजन है तो यहाँ कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो दोनों एंटीजन माने ए बी ब्लड ग्रुप, और दोनों कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी, जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन अब ओ ब्लड ग्रुप एक्चुअली ओ नहीं है, ये जीरो होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ते लोग ओ है और हम लोग भी वही पढ़ते हैं, होता है एक्चुअली जीरो, यानी कुछ भी नहीं पाया जाता है, तो यानी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, है ना, कोई एंटीजन नहीं है अगर यहाँ जीरो, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो होगा वही एंटीजन होगा, तो ब्लड ग्रुप एंटीजन यहाँ पे नो एंटीजन प्रेजेंट होता है ब्लड ग्रुप ओ में। लेकिन यहाँ पे अगर एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी ए भी है एंटीबॉडी बी भी है। ठीक है, इस तरीके से आप रिवाइज कर लेंगे। और अब चैप्टर नंबर सिक्स पे आते हैं, चैप्टर नंबर सिक्स में आते हैं लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम में, लिम्फैटिक सिस्टम क्या करता है, दैट सिस्टम ऑफ बॉडी थ्रू विच लिम्फ फ्लो, जिसमें से कि क्या हो, लिम्फ फ्लो करे। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये कलरलेस फ्लूड होता है, ये क्या होता है, कलरलेस फ्लूड होता है, रक्तहीन द्रव्य होता है, याद रखिएगा। और ये हमारे बॉडी के डिफेंस में हेल्प होता है, डिफेंस मजबूत करता है, यानी बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाएगा या फिर आपको लिखना पड़ जाएगा, लिम्फ होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, रेड बोन मैरो होता है, जिसमें कि रेड बोन मैरो समझ रहे ना, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, ये सब क्या है आपको लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, है ना। इसका ट्रिक बनाए थे एल क्यूब टी स्क्वायर एस आर बी एम, ठीक है, एस आर बी एम, एल क्यूब टी स्क्वायर एस आर बी एम, एल क्यूब मैंने लिम्फ,
तीन को एल है ना, एल क्यूब लिखे, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, टी स्क्वायर यानी क्या हो गया आपका थाइमस टॉन्सिल, और एस मैंने हो गया स्प्लीन, और आरबीएम यानी रेड बोन मैरो, ठीक है। अब लिम्फ नोड की बात करते हैं, तो लिम्फ नोड पे क्वेश्चन आ सकता है इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार का है, इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है ना, और ये अराउंड 500 से 600 लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं हमारे पूरे इनसाइड बॉडी में, ठीक है। और आपको इसका पार्ट होता है कॉर्टेक्स पैराकॉर्टेक्स, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड, अलग अलग लिम्फ नोड होते हैं, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड हो गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गया, उतना डिटेल में मत पढ़िए अभी, ठीक है। अब लिम्फ वेसल क्या होता है, तो जिसके अंदर से लिम्फ कैरी करता है उसको लिम्फ वेसल कहते हैं, और मेनली टू टाइप का होता है, एक होता है एफरेंट लिम्फ वेसल, इफरेंट लिम्फ वेसल। एफरेंट वो करेगा जो कि लिम्फ को लिम्फ नोड में लाएगा, है ना, एफरेंट आना, इफरेंट, इफरेंट माने देखिए जाने वाले काम को इफरेंट कहते हैं, जहां एंड हो गया ई से एंड, ई से एफरेंट माने कान खत्म हो गया, तो लिम्फ को यदि लिम्फ नोड में ला रहा है तो उसको एफरेंट लिम्फ वेसल कहेंगे, और लिम्फ नोड से उसको फिल्ट्रेट होने के बाद बाहर भेज रहा है वो क्या हो गया, इफरेंट हो गया, ठीक है। लिम्फ वेसल का फंक्शन देख लीजिएगा। अब बात करते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन में दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, दूसरा सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। प्राइमरी में आपको कौन कौन से, प्राइमरी उसको कहते हैं इन दिस द ऑर्गन प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस, जहां पे कि लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो और मैच्यूरेशन हो उसको प्राइमरी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी में आ गया, तो मेनली आपका क्या आता है इसमें दो ही को होता है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, है ना, रेड बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड हो गया आपका क्या जो कि प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में आपका अलग अलग चीज आ गया, जैसे लिम्फ नोड आ गया, स्प्लीन आ गया, टॉन्सिल्स हो गया, पेयर पैचेस हो गए, ये सब चीजें। स्प्लीन पे क्वेश्चन आता है कि स्प्लीन किसको कहते हैं, तो ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी है ना आपका ग्रेवियार्ड, आरबीसी का कब्र का स्प्लीन को ही कहते हैं, ठीक है। और इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड, ये एक डक्टलेस ग्लैंड होता है जिसमें कि अपर एरिया में, एब्डोमिनल कैविटी के अपर एरिया में पाया जाता है, और उसको हिंदी में प्लीहा भी कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये सब चीजें हैं, और लिम्फ नोड मैंने पढ़ा दिया। अब बात करते हैं लिम्फ क्या होता है, लिम्फ में क्या क्या होता है, तो वाटर होता है, सॉलिड होता है, सेल कौन कौन सा, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल होता है, क्या आरबीसी पाया जाता है लिम्फ में, तो नहीं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, नहीं, क्योंकि इसका कलर ही नहीं होता है। और कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट, फॉस्फोरस वगैरह, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। और लिम्फ का फंक्शन क्या है वो थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लेंगे। अब चलिए चैप्टर नंबर 7 है, जो कि आज इस पार्ट का हम लोग लास्ट चैप्टर रखने वाले हैं, है ना। काफ़ी लंबा क्लास चला, लेकिन कोई बात नहीं, एक और पार्ट होगा, बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के टाइम पे। आप रिवाइज कर रहे हैं, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो अब जो पहले से एक वीडियो छोड़ के जा चुका होगा ना, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, वही आके बाद में गरी आएगा कि आपके पढ़ाई से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो भैया आपको नहीं मिला, नहीं मिला, लेकिन हमारा जो बच्चा है ना ईमानदारी से जो पढ़ता है उसको मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम कोई मजाक नहीं करने आए हैं, ओके, पढ़ाने आए हैं, पढ़ो भाई, हाँ, इंजॉय करके पढ़ाते हैं। मेरा मानना होता है मेरा पढ़ाई आपके दिमाग में तभी घुसेगा, जैसे खान सर थोड़ा सा मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि वो देखिए पढ़ाते टाइम थोड़ा सा बच्चों को एंटरटेन करते हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कभी किसी टीचर से पढ़ता हूँ, मान ले समझ में नहीं आ रहा इसमें, कोई कॉमेडी टाइप का बात बोले, उससे माइंड क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, फिर जब पढ़ाते हैं तो सब चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ बच्चों को, आप लोगों को पहले टेंशन फ्री करता हूँ, दुनियादारी की चीज़ों से छोड़िए, मेरे पर ध्यान दीजिए, समझ रहे ना, काम बन जाएगा आपका एग्जाम में। कहते हैं ना ए राजा तनी जाई ना बहरिया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए राजा तनी आई ना भीतरिया, बाहर नहीं जाना है अभी हमरा भीतर आवा, है ना। तब तुहार जिंदगी तो ना बताई बता सकेली, लेकिन तुहार एग्जाम सवर जाए, समझ ला। मेहरी के हाथ एगो गाना है, मेहरी के हाथ खैब तो मोटा जेब हो, सुने हो, लेकिन अभी मोटाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो हाँ, चलिए चैप्टर नंबर 7 है, दिल दीवाना है, दिल पागल है कहते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमने बताया था ना, कार्डियक मसल किस में पाया जाता है, तो हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे क्वेश्चन आएंगे, और याद रखिएगा आपको बनाना पड़ेगा, है ना। हार्ट का एक अच्छा सा डायग्राम जरूर सीख लीजिएगा, ये हॉलो ऑर्गन होता है, ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये इसमें चार चैम्बर होते हैं, चार वाल्व्स होते हैं, है ना, देखिए, है ना, चार चैम्बर होते हैं और चार वाल्व्स होते हैं। मैं यहीं पे बता देता हूँ, चार चैम्बर में इधर पे आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया लेफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड जो भी होता है वो ऑक्सीजनेटेड, ये आपका हो गया राइट एट्रियम, है ना, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है,
उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है ना, और यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो जो आपका वाल्व पाया जाता है उस वाल्व को क्या कहते हैं, आप हमें बताइए। राइट है, राइट यानी कि क्या हो गया आपका, हो गया एक सेकेंड, हाँ राइट में आपका होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच क्या होता है बताइए, बाइकस्पिड वाल्व होता है। और पूरे हार्ट में सबसे मोटा चैम्बर, सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। हार्ट का वाल कितना होता है, तो तीन लेयर में होता है, कितने लेयर्स में होते हैं, तीन लेयर्स में। पहला लेयर सबसे बाहरी लेयर होता है पेरिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम, अंदर वाला इंडोकार्डियम। हार्ट में चैम्बर होता है टोटल चार, ऊपर में आपका हो गया एट्रिया, है ना, देखो डायग्राम बताए थे ना, इस तरीके से होता है कुछ, ऊपर वाले को एट्रिया कहते हैं, एक हो गया राइट एक हो गया लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट वाला, है ना, तो दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपका हो गया, ये क्या हो गया इधर वाला आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब राइट इस तरीके से लिख दीजिएगा, राइट एट्रियम कहाँ पाया जाता है, तो अपर पोर्शन में पाया जाता है, अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट, जहाँ क्या करता है सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड को रिसीव करता है ना, और उसके बाद क्या करता है ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो राइट लोअर साइड में हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये क्या करता है रिसीव करता है ब्लड को कहाँ से, राइट एट्रियम से, और उसके बाद ये क्या करता है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ भेज देता है, ब्लड को लंग्स में भेज देता है प्यूरिफिकेशन के लिए, और लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है वहां से जब लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो वो लेफ्ट अपर साइड में हार्ट में पाया जाता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड इसमें आता है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरे बॉडी में ये फिर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है लोअर लेफ्ट साइड में हमारा बॉडी में प्रेजेंट हार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को रिसीव करता है और ये ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड को भेज देता है, और ये हार्ट का एपेक्स बनाने का काम करता है, ये चोंच होता है, चोंच लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण बनती है। वाल्व दो टाइप का होता है, एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी क्या होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, एक होता है सेमिलुनर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व तीन कस्प का बना होता है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, कैसे याद रहेगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, राइट में कितना से देखिए, राइट लंबा अक्षर है कि लेफ्ट लंबा अक्षर है बताइए, लेफ्ट में चार एगो है राइट में पांच अक्षर है, तो जो पांच अक्षर वाला है उसके बीच ज्यादा अक्षर वाला होगा, तो ट्राई मैंने तीन बाय मैंने दो, तो कम वाला कम में ज्यादा वाला ज्यादा में, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेमिलुनार वाल्व, तो सेमिलुनार मतलब आधा चांद, लुनार मतलब होता है चांद, और सेमिलुनार मतलब आधा चांद के आकार का, है ना, इस तरीके से आधा चांद के आकार का होता है, ये क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी और हार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर लोकेटेड बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड द आर्टरीज, क्लोजिंग ऑफ द वाल्व्स, वाल्व को क्लोजिंग में, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप, कि इसमें ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं, है ना, ऐसे नोड। यहां पे देखिए आपका हार्ट का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, अपर राइट साइड में जो पाया जाता है सॉरी टॉप ऑफ द अपर राइट साइड में जो पाया जाता है उसको ऐसे नोड कहते हैं, अपर याद रखिए ऐसे नोड का पोजीशन अपर राइट साइड में जो पाया जाता है उसको ऐसे नोड कहते हैं। फिर यहाँ पे एवी नोड पाया जाता है, यहाँ पे एवी नोड, है ना, यहाँ पे एवी नोड, ओके, जो कि सेप्टम के बीच में पाया, सेप्टम के आसपास में पाया जाता है, ओके, यहीं से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पे परकिंजी फाइबर होता है, उसके बाद बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरा क्या कहते हैं फैल जाता है, ठीक है। ये होता है बंडल ऑफ हिस, ये होता है परकिंजे फाइबर, ठीक है, ये होता है बंडल ऑफ हिस, ये होता है परकिंजे फाइबर, इस तरीके से पूरा फैल जाता है। तो ऐसे नोड को हम लोग ये आपको क्या कहलाता है पेसमेकर कहलाता है, याद रखिएगा। एवी नोड, अगर ऐसे नोड खराब हो गया तो एवी नोड काम करता है। बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ, ये हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर, देख लीजिए अच्छे से, है ना। अब ब्लड वेसल्स को लेकर के, तो दो प्रकार का ब्लड वेसल्स वो होते हैं जिसमें कि ब्लड जो ब्लड कैरी करता है पूरे बॉडी में उसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हार्मोन एंजाइम सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, तो वो हो गया आपका ब्लड वेसल्स। और टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में आपका आ गया आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल कैपिलरी वेन। आर्टरी और वेन में डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। आर्टरी में क्या होता है आपको हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, शुद्ध रक्त क्या करता है हमारे हृदय से पूरे शरीर की ओर जो ब्लड लेके जाता है वो क्या हुआ आर्टरी का काम हो गया है ना, जो क्या करता है आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है।
जबकि आपका जो वेन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। हमारे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा तो वो उसको हृदय तक पहुंचाने का काम वेन करेगा, जबकि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में उल्टा होता है, एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी अगर पूछ देगा तो वहां पे क्या होता है, आर्टरी बोला है, पल्मोनरी लगा दिया है, तो ऐसे तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी बोल देंगे तो उसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अगर पल्मोनरी वेन बोल देंगे तो पल्मोनरी वेन बोल दिया, वैसे तो वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन बोल देगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ब्लड का सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आपका जो हार्ट, याद रखिएगा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, सर्कुलेशन आपका जो हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और हार्ट और पूरे बॉडी के बीच का सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे कि आपको अगर डायग्राम दिया होगा तो दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो हार्ट और क्योंकि हार्ट से एक बार फिर से ब्लड को भेजा जाता है ना, क्यों, प्यूरिफाई होने के लिए, फिर उसे हार्ट में आता है, इसीलिए तो हमारा क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब डबल बार होता है, एक बार हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया, फिर ब्लड हार्ट में आया तब बॉडी में जाता है। यदि हार्ट से और लंग्स के बीच में हो रहा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट से अगर बॉडी टिश्यूज के बीच में हो रहा है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है। तो आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे, याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो आपका होता है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और जो ग्राफ जो इस तरीके से बनता है, याद रखिएगा जो भी आपका बनता है इस तरीके से, एक सेकंड ये गलत बन गया है, आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं, रुक जाइए भाई, दिख जा ECG, हाँ ये जो आपका ECG है, ECG वेव है, ये जो आपका है एक्चुअली इसको लोग ग्राफ बोल देंगे, ठीक है, लेकिन जो इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ये बनाया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, उसको ग्राफ कहते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्राफ नहीं है, याद रखिएगा, देखने में आपको लग रहा है ग्राफ, सबको ग्राफ बोलता है, हर लोग कंफ्यूज रहता है, लेकिन मैं बता दूं इसको ग्राफ नहीं बोला जाता, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये तैयार किया गया वेव उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। वैसे क्वेश्चन ये सब आता नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए था। आपका जो ECG पे क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से, ECG देखिए कितना इजी बनाएंगे, ऐसे करके कीजिए, एक छोटा सा ऐसे कीजिए, एक ऐसे बड़ा सा कर लीजिएगा, उसके बाद ऐसे करके ऐसे करिए, ये P होता है, ये QRS होता है, और ये T होता है। P वेव क्या डिनोट करता है, याद रखिएगा एट्रियल डिपोलराइजेशन, यानी एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन P वेव शो करता है, और आपका जो टी ये जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन शो करता है, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि वेंट्रिकल बड़ा होता है तो ज्यादा बड़ा वेव बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो हो गया टी वेव, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, जहां पे वेंट्रिकुलर क्या होता है, टी वेव क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा है, यानी हार्ट क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, आपका हार्ट रेट नॉर्मली कितना होता है, 72 होता है, और कार्डियक साइकिल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है, याद रखिएगा एक कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो आपके पूरे एक बार हार्ट बीट करने में जो भी इवेंट हुआ, जो भी टाइम लगा, उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो कि 0.8 सेकंड का होता है। और ब्लड प्रेशर क्या हुआ, तो ब्लड के वेसल्स यानी आर्टरी पर लग जो भी प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो ब्लड बहने के कारण प्रेशर एग्जर्ट होता है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mm ऑफ HG होता है, ठीक है। और ऊपर वाले को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सिस्टोलिक हो गया, जब आपका रिलैक्स हुआ तो डायस्टोलिक हो गया, तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, ये सब आपका हो गया आपका। अब है स्टेजेस ऑफ ब्लड प्रेशर, कब ज्यादा कहेंगे, तो 104 देखिए 120/ मैं आपको बता देता हूँ, 120/80 है तो नॉर्मल है, अगर इसको एबनॉर्मल कहना है तो 140 ऊपर में 140 से ज्यादा हो जाए, नीचे 100 से ज्यादा हो जाए तो वो हाई ब्लड प्रेशर के केस में आता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट के केस में आता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, कल हमारा Part 2 रहने वाला है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से आगे पढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, जो कि सुबह 7 बजे आपको वीडियो आएगी, तो प्लीज 7 बजे नहीं आ सकती है तो हो सके 8 या 9 बजे तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और मन से पढ़िए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं इस वीडियो से, और ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।